लेकिन यहाँ पर बात अध्यात्म की है। वो एक योगी है, वो एक महापुरुष है, वो एक गुरु है, वो अध्यात्म अनंत काल से जाते रहे हैं और अध्यात्मविद ही जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता समाधि में। ठीक है, और हमें ये हम लोग ये जानते हैं, मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, वो उनको क्लिनिकली डेड कहती है, वो उनको मेडिकली डेड कहती है या लेकिन ये हमें पता है कि जिस समय के बाद नारा जी को कब देखा आपने? आज देखा, आज देखा, नहीं नहीं मैंने देखा, बीच में देखा, आज लेटेस्ट आप उन्होंने पूछा, लेटेस्ट आप देखा, आज देखा। आज क्या फाइंडिंग है आपकी? नहीं, चेंजेस थी। कैसी? स्किन में कुछ चेंजेस थी उनके, जैसे कलर चेंज हो रहा था स्किन का, थोड़ा ग्रीश टिंट थी उसमें। हार्ट बीट वगैरह वो तो फर्स्ट डे पे ही नहीं थी, वो तो खत्म हो रहा था। एक मिनट, एक मिनट, स्किन के अलावा आपकी चेंज? वही एक्सटर्नली तो वही परसीव कर सकते, चेहरे पर कोई गिरावट? वो सेम चेंज जो स्किन पे, सारी बॉडी पे। अगर हम आपको सीधे तरीके से देखें तो जो क्लिनिकली डेड है उसमें कोई लक्षण आपने क्या क्या देखा? डीकम्पोज एक्चुअली उसमें फॉल स्मेल और वो सारी चीजें वो नहीं, वो बिस्तरे पर लेटे हुए हैं किसी और में। अभी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो उस वजह से। एक ही जो मुझे आपको टेम्परेचर है 0 डिग्री। ओके, और ये चीज आगे ये है कि जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है, और आई थिंक साधवी इनपुट जो दे रही है। अच्छा आप बताइए पहले आप कह रहे थे फ्रीजर में किस तरीके से है, जरा वो एक्सप्लेन करो। रूम फ्रीजर है, चेम्बर है। रीजन ये है कि हम अभी तक कल वही चेम्बर में भूतनाथ टेम्पल से नहीं, वो रिटर्न, एक रिटर्न किया, एक रिटर्न किया। आप बात तो सुन लीजिए, लेट अस बी दिस वे, आई थिंक वी वॉन्ट बी एबल टू स्पीक एंड वी विल बी सिटिंग फॉर अनदर वन। Now the question is, I don't find a point in creating a confusion or a illusion on this. We have explained you the question, and I have put the question is when. It was the changes was observed. We were till day before yesterday, we were telling you that he was on the normal condition. So was he, and he said that he had examined him yesterday only also. So it was, I think, last evening. What time? 4 o'clock. 4 o'clock. The changes were seen before. Changes that. Were seen at 11 o'clock, and we called another specialist. We took a second opinion. Changes come Sunday? Yesterday. कल ही कल ही हम लोगों ने ये स्टेप लिया है, और हमने आपसे ये कहा था। ये चैम्बर कैसा है मैं बताती हूँ। हमने कल एक मिनट, हमने आपसे ना ये कहा था इस पहले भी कि जब भी कुछ डेवलपमेंट है, कोई चेंज है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, राइट। कल ये डेवलपमेंट हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बात हम आप लोग को बता रहे हैं, वी हैव टोल्ड एवरीबॉडी, बिकॉज हमारे जी किसी एक दो लोगों के पर्सनल नहीं है, वो पूरे समाज के लिए आए हैं, उन्होंने समाज के लोगों से वो जुड़े हैं, और महाराज जी के अनेकों शिष्यों को हम लोगों ने प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से ये जानकारी दी है, लोगों को हमने कॉन्फिडेंस में लेकर के, उनके शिष्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये स्टेप उठाया है। दैट इज व्हाई वी आर हियर, राइट। एंड वी, और इसी आप यहाँ पर हैं, और हमने वी कुड हैव अवॉइडेड, वी डोंट, बट द थिंग इज कि हम लोग आप ये कह रहे हैं कि आप पहले दिन से प्रश्न पूछ रहे थे, तो जो पहले दिन से लेकर के परसों तक की परिस्थिति थी, कल दोपहर तक की परिस्थिति थी, हमने आपको बताई। कल शाम को जो परिस्थिति बदली है वो हम आज आपको बता रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि दिया भी था कि शायद इस हमारे संस्थान में सक्सेशन को लेकर के आज तक कोई प्रश्न नहीं उठा, किसी व्यक्ति के अंदर कोई विचार नहीं उठा, कोई प्रॉपर्टी के लिए। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेशन, जो एक उत्तराधिकारी को लेके हमारे यहाँ पर कोई परंपरा नहीं है, महाराष्ट्री उनकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्री ने अपने नाम से आज तक कुछ भी नहीं खरीदा, ना कुछ अपने नाम से रखा, ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट है पूरे संसार के अंदर। पहली बात, महाराज जी ने इसको एक फंक्शन दिया, इसको एक सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाया हम सब लोगों से। जिस वक्त इसकी रजिस्ट्रेशन हुई सोसाइटी की, तो 1991 के अंदर हुई,
और हम 89 से महाराज जी के श्री चरणों में लगभग चारों ही, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आज तक जितने भी आश्रम हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितना भी डोनेशंस हैं, जो भी कुछ है, एक एक चीज वो सोसाइटी के पास है, सोसाइटी के नाम से है और उसी के नाम से अकाउंट्स हैं और उसी के नाम से सारी चीजें होती हैं। इसलिए सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी को लेके बंटवारा, जब महाराज श्री ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम है ही नहीं तो बंटवारा किसका, सोसाइटी, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और जो हमारे जो बायलॉज हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया हम काम कर सकते हैं नेशन वाइड। तो इसलिए पहली बात तो ये बिल्कुल खारिज करना चाहते हैं हम आपके माध्यम से, जन जन तक जिनको ये दुविधा हुई है उन तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात तो ये आध्यात्मिक अगर बात तौर से हम बातचीत करें तो आध्यात्मिक तौर से महाराज श्री ने सबको अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेम, अपने जो आशीर्वाद और अपना ब्रह्म ज्ञान दिया है और अपनी अच्छाइयां, अपने गुण दिए हैं, और जो आप जन जन तक जिसके अंदर है, इसलिए आप देखेंगे कि इतने क्वालिफाइड लोग हैं जो अपने यहाँ के, इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो महाराज जी की आइडियोलॉजी से, उनके ज्ञान से, उनके दर्शन से, उनके अनुभूतियों से प्रभावित होकर के इस संस्थान के अंदर लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में संत समाज। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि इस तरह का कोई विवाद नहीं, इसलिए हम चारों एक साथ जिन जिन के नाम दिए थे, और ये चारों ने संस्थान के अंदर जितने भी संत समाज है वो सभी के अंदर ये भावना है ही नहीं, हमारे गुरु महाराज जी ने ऐसी कोई परंपरा हमारे अंदर संस्कार रोपित नहीं किए, जैसे उन्होंने कुछ नहीं रखा अपने नाम से, अपने लिए, समाज का धन है, समाज के लिए है और समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, हम केवल उसके निमित्त हैं। तो ये हम आपके अपने माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी बात नेक्स्ट और लास्ट वो ये है कि जितने भी जो यहाँ पर प्रीचर्स हैं, जो लोग हैं, सबके अंदर ऐसी ही भावना है, किसी को कोई कुछ नहीं चाहिए, बस एक है, हमारे 8 सामाजिक प्रकल्प चल रहे हैं, सोशल इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे, और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार चल रहा है, और 8 में बहुत सारे आ जाते हैं, मेरे ख्याल आपको ब्रीफिंग की होगी आपने, है ना? तो ये मैं चाहूंगा स्वामी जी एक बार करेंगे, आपको पता लगेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। स्वामी नरेंद्र जी फाइनल दे चुके हैं बार बार उसी बात को, ये जाननी है ये चैम्बर जो है ये कैसा है, ये आपने टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जा रहा है अपने जो उसके बारे में। डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये जो कैसा है, मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे मेंटेन किया है? इलेक्ट्रिकल या कंप्रेसर लगा हुआ है? पर्सनली क्या लगता है कि आप एज ए डॉक्टर उनको कितना टाइम ऐसे ऑब्जर्व करना चाहेंगे बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन? सर रेगुलरली करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब लगेगा कुछ ऐसा इनको बताते रहेंगे, बाकी इनका है का छोड़ो। हाँ जी, किसी भी डेड बॉडी को जो ये मॉर्टरी चैम्बर में रहते हैं कितने देर तक रखा जाता है, कितनी देर तक मैक्सिमम, मतलब ऐसे कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट, कोई टाइम बाउंड नहीं, ये आपके चैम्बर किस तरीके का, ये संस्थान का हमारा निर्णय है। बात यह है कि हम लोग सिर्फ मेडिकल साइंस के ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, आप ठीक है, सारी बात क्लियर करना है, सब चैम्बर पार्टी है।